आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आज मैं तुझे मार दूंगा। मैंने ये नौकरी दोबारा तुम्हें मुफ्त में नहीं दी है, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अरे हुकुम बजाओ बाबू, किसकी बजानी है? इसकी। इसे मार दो। जब से ये सुधा भाभी घर में आई है, ये प्रॉपर्टी मुझे और युग को मिलने की गुंजाइश खत्म होती जा रही है। जाहिर है बुआ जी की प्रॉपर्टी इसे और इसके सगे बेटे ऋषभ को ही मिलेगी। ऋषभ को फिर भी मैं मना लूंगा, वो आज भी मुझे अपना बाप ही मानता है, लेकिन ये मेरे रास्ते का रोड़ा बन सकती है। इसे रास्ते से हटाना होगा। चक्कू छुरिया तेज करा लो, कम्बो से बुढ़िया का गला कटवा लो, काट दो बाबू। लेकिन घर वालों से क्या कहेंगे? अरे फिकर नॉट बाबू, कम्मो कह देगी कि बगल में फलों का प्लेट पड़ा था, फलों की प्लेट में चक्कू पड़ी थी, बुढ़िया प्लेट पे गिर गई और चक्कू से गला कट गया। अच्छी कहानी है, जाओ काट डालो इसे। डर मत बुढ़िया, छुरी अंदर तो जान बाहर। अरे पता भी नहीं चलेगा कि कब पत्ता कट गया। इन सब मामलों में कम्मो का हाथ बहुत साफ है, इसे कहते हैं हाथ की सफाई। आइए आइए बुआ जी। क्या कर रहे हैं यहाँ? वो पानी, दादी जी मैं पानी लेकर आई थी, बस देखने आई थी कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। रख दिया ना पानी? हाँ। देख लिया ना सब ठीक ठाक है कि नहीं? हाँ। अब जा, मैं संभाल लूंगी। हाँ जा। जी। नलिन। हाँ हाँ बुआ जी। ऋषभ और रैना का कुछ पता चला? आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बचाओ, बचाओ। तुझे अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ऋषभ, ऋषभ।
इसे मारना होगा। अगर ब्रह्म राक्षस ने इसे मार के इसका खून पी लिया तो अजर अमर हो जाएगा। उसके मारने से पहले तुम मार डालो इसे। मैं रैना को नहीं मार सकता, नहीं मार सकता मैं रैना को। तुम्हें इसे मारना होगा, मार डालो इसे। मैंने तुम दोनों को कहा था कि ऋषभ और रैना को ढूंढ कर लाओ। क्या किया तुमने? हाँ, ढूंढ कर नहीं लाए दोनों को। जा मिताली, जल्दी से देख। हे भगवान, है ना बेटा, कहाँ गई थी तू? तुझे चोट कैसी आ गई है? क्या हुआ? ऋषभ कहाँ है? पता नहीं दादी, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन ऋषभ कहीं नहीं मिला। और फिर उसने मुझ पर वार किया। और मैंने कुछ गांव वालों से सुना है कि आज पूर्णमासी की रात है और आज की रात वो भयानक राक्षस अपने रूप में गांवों में कहीं घूम रहा होगा। और फिर भी मैं ही इसे ढूंढ के घर ले आया। तूने तो सिर्फ सुना था वेद गांव वालों से, मैं तो खुद जाके इसे लेके आया हूँ। युग भैया, मैं भी रैना भाभी को ढूंढने गया था, और अगर मेरे से पहले आप लेके आ गए तो उसमें मेरी गलती क्या है? चुप करो दोनों, यार रैना को लगा है और तुम लोग दोनों इतनी बहस कर रहे हो। तुझे ज्यादा तो चोट नहीं आई ना? तुझे ठीक लग रहा है ना? अच्छा हुआ बेटा तुम बच गई। लेकिन कैसे? दादी वहां पे कोई था, मुझे पता नहीं कौन, लेकिन कोई तो था। कोई था दादी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऋषभ का है। पूरनमासी की रात है और फिर भी तू उस लड़की पर वार नहीं कर सका, सिर्फ उस ऋषभ की वजह से।
क्या किस्मत है मेरे अंदर परम राक्षस आ गया, तो ऋषभ के अंदर उससे भी शक्तिशाली, उसका भी बाप नरसिम्हा। नरसिम्हा ऋषभ यहां भी मेरे से एक कदम आगे निकला। स्टूपिड ब्लडी ऋष। नो 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 युग, तेरे जिंदा रहने का सिर्फ एक यही तरीका है ऋषभ। अगर तुझे जिंदा रहना है तो सिर्फ अभी की यही तरीका है ऋषभ को तो हराना होगा, उस नरसिम्हा को हराना होगा। नरसिम्हा, अब तू किसी काम का नहीं रहा, जा किसी हॉरर फिल्म का हीरो बन जा। हीरो तू। तू हीरो नहीं, तू जीरो है। जीरो। अब सिर्फ एक ही इंसान है जो मेरी मदद कर सकता है। हाँ? पर वो इंसान है कहाँ? उसे ढूंढना होगा। तो तुम्हें तुम्हें कैसे पता कि मैं यहां हूं? चल मेरे साथ। ऐसा क्या है उसके पास? ऐसा क्या है उस नरसिम्हा के पास जो मैं उसे हरा नहीं सकता? कमॉन जल्दी भूखोल, तू पंडित है ना पूरे गांव का, बता उसके पास क्या है। शक्ति, वो ब्रह्म राक्षस से भी ज्यादा शक्तिशाली है। उसे ब्रह्म राक्षस नहीं हरा सकता। चुप चुप। अब एक और फालतू शब्द बोला ना तो ब्रह्म राक्षस अपने इन्हीं हाथों से तेरे गले को चीर फाड़ के जंगली जानवरों को खिला देगा। ये मत बता कि ब्रह्म राक्षस से ज्यादा शक्तिशाली कौन है। अपने पंडित वाले दिमाग को काम पे लगा और उस नरसिम्हा को मारने का रास्ता बता मुझे। मुझे उस नरसिम्हा से भी ज्यादा शक्तियां चाहिए, इतनी सारी शक्तियां कि वो मुझे नहीं मैं उसे वश में कर सकूं। बात समझ में आ रही है तेरे? कल सुबह तक का टाइम दे रहा हूं तुझे। अगर कल सुबह तक तूने मुझे नरसिम्हा की कोई भी एक कमजोरी जिससे मैं उसे हरा सकूं नहीं बताई,
यही जगह होगी, यही सीढ़ी होगी और मेरे हाथ में तेरा सर होगा। तेरा सर फोड़ दूंगा मैं। कल प्लीज मां, आप प्लीज रोइए मत। मैं ऋषभ को कैसे भी ढूंढ कर लाऊंगी। आपको पता है आज तक ऋषभ ने कितनी बार मौत को चकमा दिया है? पता है क्यों? क्योंकि ऋषभ की बहुत लंबी उम्र लिखी है, वो भी आपके साथ। ऋषभ, ऋषभ आ रही हो? ऋषभ आप कहाँ थे? आ गया तो बेटा। अब कहाँ चले गए थे? आपको पता हम सबको कितनी टेंशन हो रही थी। मार डालो। ऋषभ बेटा, तू कहाँ चला गया था? हाँ, तुझे कहीं चोट तो नहीं आई ना बेटा? ऋषभ भैया को आप ही लेकर आए? नहीं तो ऋषभ अपने आप ही वापस आया है। कहाँ गया था, कहाँ से आया है, आई डोंट नो। ऋषभ, ऋषभ क्या हो गया तुम्हें? आजकल कहीं जाते हो तो बताते क्यों नहीं हो? क्या हो क्या रहा है ऋषभ? ऋषभ भैया, ये कुछ बोलता क्यों नहीं है? हाँ दादी, कुछ ज्यादा ही लाड साहब नहीं हो गया आजकल दादी? आई मीन कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, क्या करता है, किसको बताता है? क्या कैसा बर्ताव कर रहा है ऋषभ? हो क्या गया है? मेरे साथ क्यों मेरे हाथ इतने भारी? मेरी आंखों में हरी चमक क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्या क्या मैं भी राक्षस बन गया हूं? भैया हो,
ऋषभ, ऋषभ दरवाजा खोलो ना। मार डालो उसे, मार डालो। ऋषभ, ऋषभ प्लीज दरवाजा खोलो। ऋषभ प्लीज दरवाजा खोलो ना। ऋषभ क्यों मुझसे दूर जा रहे हो? हाँ, बात करो मुझसे प्लीज, कुछ तो बोलो, बोलो मुझे क्या हुआ है। ऋषभ मैं हूं, मैं तुम्हारी चिन्नी। अब मुझे नहीं बताओगे क्या? हाँ, मैं परिवार का छोड़ नहीं पाऊंगा। प्लीज ऋषभ, रैना को नहीं मार सकता, मैं बाहर ही नहीं जाऊंगा। पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, मेरा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, मैं बेकाबू हो जाता हूं। मैं किसी पे भी वार कर सकता हूं। मैं रैना को कुछ नहीं होने दूंगा। प्लीज दरवाजा खोलो। मेरा वक्त खत्म। पंडित, तेरा वक्त हो गया। नहीं नहीं, नरसिम्हा की कमजोरी मिल गई। क्या? रिश्ते नाते, मोह माया का जंजाल अच्छे खासे शक्तिशाली इंसान को भी कमजोर बना देता है, उसे पराजित कर देता है। अबे पंडित, ज्यादा पहेलियां मत मार, साफ साफ बता नरसिम्हा की कमजोरी क्या है जिससे मैं उसे हरा सकता हूँ। नरसिम्हा को उसकी कमजोरी से ही हराया जा सकता है। जब नरसिम्हा अपने असली रूप में रहेगा, उसे कोई नहीं हरा सकता। जितनी बार भी नरसिम्हा अपना रूप बदलता रहेगा, मेरा कहने का मतलब नरसिम्हा से ऋषभ, ऋषभ से नरसिम्हा, वो अपने रिश्तों के जाल में फंसा रहेगा। उसकी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी। उसी वक्त तुम उसकी दुखती रख पर हमला करोगे। उसकी दुखती रख क्या है ये तुम मुझसे बेहतर जानते हो। ऋषभ की दो ही दुखती रख हैं, उनपे वार करके मैं ऋषभ को कमजोर कर दूंगा, और फिर ऋषभ पे वार करके मैं नरसिम्हा को मार दूंगा। उसकी दो ही दुखती रख हैं, उसकी बूढ़ी मां सुधा और रैना। रैना,
क्या कर रही तू? पागल हो गई? पागल तो हूँ मैं। जब भगवान सारे दरवाजे बंद कर देता है ना, तो खिड़की तो खोलनी पड़ती है। बोलो, सही बोला ना मैंने? ऋषभ, मैं क्या गलत बोल रही हूँ? सही तो बोल रही हूँ। जब भगवान सारे दरवाजे बंद कर दे। भगवान ही हूँ मैं। अच्छा, तो शैतान हूँ? सुनी जाओ, तुम जाओ यहाँ से, मुझे कुछ काम करना है। जाओ। ऋषभ, क्या हो गया तुम्हें? हाँ, ब्रह्म राक्षस ने मुझ पर अटैक किया, तुम्हें मेरी इतनी भी फिक्र नहीं है? नहीं है फिक्र तुम्हारी, नहीं है फिक्र। तुम पे ब्रह्म राक्षस अटैक करे कोई और, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ओके, अगर तुम यहां रहोगी तो फर्क पड़ेगा, इसलिए चली जाओ। जाओ ऋषभ। तुम नहीं जाओगी? मैं जाता हूं। क्या हो गया तुम्हें? हाँ, ब्रह्म राक्षस ने मुझ पर अटैक किया, अब मेरी इतनी भी फिक्र नहीं है तुम्हें? क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं चिंदी? कैसे बताऊं तुम्हें चिंदी, क्या बीत रही है मुझ पे? कैसे बताऊं मेरी हालत? मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं, मगर मेरे अंदर का ये राक्षस तुम्हें मार डालना चाहता है। मैं ही तुम्हारे पास आना चाहता हूं, मैं ही तुम्हें मारना चाहता हूं। क्या करूं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें क्या हो रहा है मेरे साथ? कैसे बताऊं मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं? मैं ही तुम्हें मारना चाहता हूं। क्या करूं, क्या करूं, कैसे बताऊं, कैसे बताऊं, क्या करूं, क्या करूं? मेरे पास भी होना चाहते हो, मुझे दूर भी करना चाहते हो। मैं जानती हूं तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है। तो फिर आज क्या हो गया? आज क्या आ गया हमारे बीच? भगवान सारे दरवाजे बंद करता है तो फिर भगवान नहीं हूं मैं, कोई भगवान नहीं। ओके, इसका क्या मतलब था? जैसे ही मैंने ब्रह्म राक्षस का नाम लिया, ऋषभ को इतना गुस्सा क्यों आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ऋषभ को ब्रह्म राक्षस को मारने का कोई तरीका मिल गया, कोई रास्ता मिल गया, और वो रास्ता बहुत खतरनाक है, इसलिए वो नहीं चाहता कि मैं उसके साथ उस रास्ते पे चलूं। मुझे अपने साथ लेने से डर रहा है ऋषभ। हाँ, इसलिए वो मुझे अपने से दूर कर रहा है। वो मुझसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मुझसे बात कर ली तो उसके मुंह से सारा सच निकल जाएगा। शायद वो नहीं चाहता कि
कि मैं अपनी जिंदगी खतरे में डालूं। शायद वो चाहता है कि वो अकेले ही ब्रह्म राक्षस का विनाश करे। शायद सुदामा आपके लिए सुदामा सुदामा कहाँ चली गई? वॉशरूम? नहीं, वॉशरूम में तो नहीं हो सकती, तो चल भी नहीं सकती। कहाँ गई होंगी? सुदामा, दादी, मिताली। क्या हुआ रैना, क्यों चिल्ला रही है? क्या हुआ भाभी? सुधा, सुधा कहाँ गई? यही तो मैं आपसे पूछने वाली थी, आपको पता है क्या कि सुदामा कहाँ है? नहीं, मुझे नहीं पता है, मुझे कैसे पता होगा? मुझे लगा कि आप में से कोई उन्हें नहला लूंगा। नहीं, हम में से तो कोई नलिन वेद। भाभी, ऋषभ में कहाँ है? ऋषभ? नलिन, जल्दी से पुलिस को फोन लगा, उन्हें पता कि सुधा का कुछ पता नहीं चला है। लेकिन लेकिन दादी चाची बाहर कैसे जा सकते हैं? वो तो चल ही नहीं सकते। यहाँ क्यों हो रहा है? कब्जे में है। ऋषभ को जाकर पूछ, उसे सुधा के बारे में कुछ पता है या नहीं। ऋषभ, 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 सुधा वहां के बारे में कुछ पता चला क्या? ऋषभ, कहीं मेरा शक सही तो नहीं? कहीं ऋषभ ब्रह्म राक्षस को मारने तो नहीं गया? नहीं, मैं ऋषभ को अकेले नहीं जाने दूंगी, मुझे भी ऋषभ के साथ जाना है, पता लगाना है आखिर ऋषभ को हुआ क्या है। मैं जानता था तू आएगा, तुझे आना ही था। तो ऋषभ के जूतों के निशान हैं। जंगल की तरफ जा रहे हैं। ऋषभ, मैं आ रही हूं। आ रहा है तेरा बेटा अपनी मौत के मुंह में। उसे लगता है वो तुझे बचा लेगा, मरता हुआ देखेगा तुझे। ऋषभ बेटा, यहाँ मत आना, तुझे मरते देखने से तो अच्छा है कि तुझे बिना देखे ही मर जाऊं। जिसने मुझे जन्म दिया वो आज मौत के मुंह में, मेरे लिए, मेरी वजह से। नहीं, मैं उन्हें मरने नहीं दूंगा, पर मुझसे ज्यादा शक्ति उस राक्षस में हुई तो मैं क्या करूंगा? ये मुझे इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि ऋषभ यही कहीं था। कहाँ है ऋषभ? वो मुझसे दूर क्यों जा रहा है? ऋषभ, आजा, आजा, मैं तुझे मार दूंगा, चीर दूंगा। ये इतने बड़े पैरों के निशान, कहीं ये निशान ब्रह्म राक्षस के तो नहीं?
कहीं वो ऋषभ को उठा तो नहीं लेके गया? ऋषभ! क्या हुआ? ऋषभ का फोन कल लगा कि नहीं? दादी मैं ऋषभ को ट्राई कर रहा हूँ, फोन नहीं लग रहा है। अरे ऋषभ का नहीं लग रहा है तो मिताली तू रैना को फोन लगा। हाँ दादी, मैं भी भाभी को फोन लगा रही थी। लगा? रैना भाभी फोन नहीं उठा रहे तो मुझे फोन दे, मुझे फोन। दादी मैं, मुझे दे, मैं लगाती हूँ ऋषभ को फोन। अरे बाबू, ये कागज पे सेन कब करवाएंगे? शट अप, अभी नहीं। क्यों वैसे यहां से आ रही है? भैया का फोन। ऋषभ कैसे उठाएगा फोन? उसका फोन तो यहाँ पड़ा है। दादी मुझे ऐसा लग रहा है जो भी कुछ हो रहा है ना, सब भ्रम राक्षस कर रहा है। कमलपुरा में जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ भ्रम राक्षस की वजह से हो रहा है। नलिन, नलिन तू कुछ कर, गांव वालों से कह के हमारी मदद करे, हमें सुधा और ऋषभ को ढूंढने। नहीं बुआ जी, गांव वाले हमारी मदद नहीं करेंगे। क्यों? वो तो चाहते हैं हम इस गांव से चले जाए, ये सब हमारी वजह से हो रहा है ऐसा उनका मानना है। जो भी हमारी मदद करेगा मैं उसे अपनी सारी जायदाद दे दूंगी। बस एक बार कोई हमारी मदद कर दे। दादी आप टेंशन मत लो, मैं ऋषभ को ढूंढ के आता हूँ। नहीं बाहर बहुत खतरा है। चिंता मत कीजिए, हम हैं, मैं कुछ करता हूँ। हवा का रुख बदल रहा है, ये क्या हो रहा है? वो आ रहा है। वो आ गया, उसकी मौत ने उसे बुलाया और वो आ गया। कहाँ गया? मुझे धोखा दिया, कहाँ छुपा है कायर? अगर हिम्मत है तो आ, आ मेरे सामने आ, आ। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ले, आ गया मैं। मेरी माँ को हाथ लगा तो हाथ तोड़ दूंगा तेरा। अब मेरी माँ तेरे कब्जे में नहीं, अब मुझे कोई डर नहीं, अब तू डर। ले, मर। अगर
अगर इनको पता भी होगा तो ये बता नहीं पाएंगे। तू कितना भी भाग ले पर तू मुझसे बच नहीं सकता। त्रिशूल फेंक कनकराज, त्रिशूल फेंक वरना मैं तुझे यहीं फाड़ दूंगा। दाई, देखो देखो तुम्हें जो करना करो, मुझे मेरे हाल में छोड़ दो। मैंने तुम्हारे लिए जो करना था कर दिया, तुम क्या कर सकते हो वो भी मैंने तुम्हें बता दिया। तूने बताया पर किया नहीं। ये जख्म ठीक कर, मुझे वो शक्ति चाहिए। आज पूरन मासी की रात है और वो शक्ति मुझे आज की रात ही चाहिए। मैंने कहा ये जख्म ठीक कर नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। नहीं, नहीं, मुझे मत मारो। ठीक है, तुम्हारे जख्म पर मरहम लगाता हूँ। जख्मी हूँ, मरा नहीं, तुझे मैं मार दूंगा। नहीं, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें अभी ठीक करता हूँ। ठीक है, चल गुफा में। हे भगवान, मुझे जल्दी से इस राक्षस और इस कमलपुरा से बाहर निकाल बचा लो। क्या हुआ? आप कुछ कहना चाहती हैं? काश मैं तुझे बता पाती। मेरा बेटा मुसीबत में है, तेरा और मेरा ऋषभ अब ऋषभ नहीं, कुछ और ही बन गया है। लगता है सुदामा बहुत डर गई है। मेरे बेटे ने मुझे कुछ नहीं होने दिया, उसे बचा ले रहना। तू बहुत अकेला है, उसे मदद की जरूरत है, उसकी मदद कर। रेना भाभी, थैंक गॉड तुम लोग आ गए। ओ गॉड, सुधा आंटी की हालत। थैंक गॉड आप सेफ है। ये सब कैसे हो गया भाभी? और भैया कहाँ है? पता नहीं ऋषभ कहाँ है, पर मुझे लगा कि वो यही कहीं है क्योंकि वो ब्रह्म राक्षस यहाँ था। कहीं भैया को ब्रह्म राक्षस ने ले गया। ऋषभ का है, मैं जब यहाँ आई थी ना तो मुझे यहाँ सिर्फ सुधामा मिली और वो भी इस हालत में। मिताली, यहां से मत घूमो, पता नहीं कहां से कब राक्षस आ जाए। चलो यहां से।